नमस्ते, मेरा नाम है संचिता और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल संचिता क्राफ्ट शॉप। आज के इस स्पेशल वीडियो में मॉडल है मेरी नंद लिपि दी। उन्होंने मेरी बनाई हुई ये हैंड पेंटेड कुर्ती पहनी है एंड आई एम ग्लैड कि उन्हें ये बहुत पसंद आया। आज का वीडियो स्पेशल इसीलिए है क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट में मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक है फैब्रिक पेंटिंग और दूसरा है इंडियन आर्ट फॉर्म, और इस वीडियो में मैंने दोनों को आपस में जोड़ दिया है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये पेंटिंग किसी कैनवस के ऊपर नहीं बल्कि कपड़े के ऊपर बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैब्रिक पेंटिंग ऑफ गोंद ट्राइबल आर्ट। तो ये आर्ट मध्य भारत के गोंद आदिवासी समुदाय की एक प्रसिद्ध लोक कला है। वीडियो के बीच में हम इस कला के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हम अनस्टिच्ड या अनकट फैब्रिक पर ठीक तरह से कहां पर ड्राइंग करें ताकि जब हम टेलर के पास जाएं तो मेहनत से बनाई हुई हमारी ड्राइंग कट ना जाए। इसी के लिए थोड़ा सा मेजरमेंट का आइडिया होना जरूरी है। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा निशान लगा दिया है कुर्ती पे, उसके बाद मैं इसमें ड्राइंग बनाऊंगी। तो देखिए, स्टार्टिंग में मैंने ऊपर की तरफ 1.5 इंच के करीब डिस्टेंस छोड़ दिया है। कपड़ा थोड़ा टेढ़ा होता है या फिर सिलाई में जाता है उसके लिए। इसके बाद मैंने नेक के लिए इससे 3.5 रखा है और शोल्डर मैंने इसे 7 रखा है। तो अगर जो लोग डीप पहनते हैं फिर वो शोल्डर थोड़ा कम कर लेते हैं, इसलिए फिर 6.25 का नाप भी मैंने रखा है। तो ऐसे एस्टिमेट करके मैं इस वाले पोर्शन पे अपने पेंटिंग बनाऊंगी। अगर उनको कट करना होगा तो यहाँ से थोड़ा सा कट जाएगा डिजाइन, इसमें कोई बात नहीं। तो नेक के लिए इतना और शोल्डर के लिए इतना मैंने ऐसे छोड़ दिया है, और नेक का डेप्थ भी मैंने देखिए 6.5 इंच के करीब रखा है। और फिर इसको ऐसे लाइन खींच के और ये लाइन खींच के मैंने एक राउंड दे दिया है, बस थोड़ा सा एस्टिमेट करने के लिए। जिन्हें अगर आपको अपने नाप का बनाना है तो आप ब्रेस्ट मेजरमेंट देख लीजिए अपना, और उसी का 1/4 भाग डिवाइड करके उसमें थोड़ा सा 1/2 इंच प्लस करके ये मार्क लगा लीजिए। यहीं पे आपका शोल्डर भी कटता है और ब्रेस्ट का नाप भी यही रहता है। तो ये मैंने 10.5 रखा है। ओके, अब मैंने ड्राइंग कहाँ तक बनानी है, ये मैंने योक पोर्शन तक ड्राइंग बनानी है, यानी कि लोअर ब्रेस्ट तक। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल शोल्डर से लेके नीचे एक 15 इंचेस तक नाप कर लिया है। यहाँ तक ही मैं अपना ड्राइंग बनाऊंगी, इसके ऊपर बनाऊंगी, इसके नीचे नहीं बनाऊंगी। तो सिर्फ अपने योग पोर्शन में बनेगा, इसलिए मैंने शोल्डर से लेके 15 इंच तक यहाँ पे एक मार्क कर लिया है और उसको सीधा लाइन खींच लिया है। अब इसी तरह से यहाँ पे भी मैंने एक लाइन खींच लिया है जहाँ पे मैंने शोल्डर फिनिश किया था। तो ये हो गई योग पोर्शन की मार्किंग्स। अब कपड़े को मिडिल लाइन में से फोल्ड करेंगे और सिंपली कपड़े पर टैप करेंगे। चौक से मार्किंग की थी तो ये दूसरी तरफ आराम से छप जाएगा, फिर उसे डार्क कर लेंगे। इस गोंद पेंटिंग में मैंने सिंपल डियर की पिक्चर ड्रॉ कर ली है और इसे मैंने जो 15 इंच वाला लास्ट मार्क किया था जस्ट उसके ऊपर रख दिया है। ऊपर से भी थोड़ा स्पेस छोड़ा हुआ है। तो इसी तरह से इसे बिल्कुल बीच में सेट करके अब मैं ट्रेस कर लूँगी। क्योंकि कपड़ा डार्क कलर का है तो इसीलिए मैं येलो ट्रेसिंग पेपर यूज़ कर रही हूँ। ट्रेसिंग से पहले या तो कुछ भारी सा इसके ऊपर रख दीजिए या फिर इसे पिन कर लीजिए और धीरे धीरे किसी पेंसिल या पेन से ट्रेस कर लीजिए। देखिए, मैंने ट्रेसिंग कर ली है, ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से उभर कर आ गया है। येलो कलर का पेपर था इसीलिए डार्क ग्रीन के ऊपर येलो की लाइंस बहुत अच्छे से विजिबल हो रही हैं। अच्छा, पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले दिखाती हूँ कि मैंने कपड़े के नीचे क्या रखा है। टेबल के ऊपर एक कार्डबोर्ड है ताकि टेबल पे कलर ना लग जाए। फिर एक पुरानी बेडशीट के 2 लेयर्स रखे हैं। उसके बाद मैंने अपना फैब्रिक का 1 लेयर रखा है। डायरेक्टली कार्डबोर्ड के ऊपर अपना फैब्रिक ना रखें। मेन फैब्रिक के नीचे हमेशा कोई दूसरा पुराना फैब्रिक रखिए ताकि अगर पेंटिंग करते वक्त थोड़ा सा एक्सेस कलर हो जाए तो वो नीचे वाले कपड़े पे एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन कार्डबोर्ड रहेगा तो उसके साथ इधर उधर फैल सकता है, क्योंकि कार्डबोर्ड इतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से एक कपड़ा कलर को एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, चलिए तो अब कपड़े पे कुछ पिंस लगा लेती हूँ ताकि पेंटिंग के वक्त ये मिसप्लेस ना हो। अब देखिए, क्योंकि ये कपड़ा काफी डार्क कलर का है तो इसके ऊपर ब्लैक आउटलाइन तो अच्छी नहीं लगेगी, कोई दूसरा लाइट कलर का आउटलाइन मुझे करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम श्योर नहीं होते हैं कि इसके ऊपर कौन सा कलर जचेगा और हमने कर दिया फिर अच्छा नहीं लगा, उसे चेंज भी नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, कपड़े के बिल्कुल कॉर्नर में जो कपड़ा हमारे पास है उसके बिल्कुल कोने पे हम 1-2 कलर ट्राई करके देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये 3 कलर ट्राई किए थे, एक डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन और ये टेराकोटा। तो डार्क ब्राउन तो अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी दोनों कलर्स मैं यूज़ कर सकती हूँ इस डार्क ग्रीन के ऊपर, ये दोनों बाकी कलर अच्छे लग रहे हैं।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इन दोनों कलर्स से डियर की आउटलाइन कर रही हूँ और मुझे पहले तो ये सही लग रहे थे, बट जब मैंने डियर्स के अंदर के कलर भरे तब ये आउटलाइन बहुत फीकी लगने लगी। तो बाद में मैंने व्हाइट, येलो इन जैसे कलर्स से आउटलाइनिंग की। तो अब देखिए, आउटलाइंस के बाद कपड़े का जो डार्क ग्रीन कलर है उसे ध्यान में रखते हुए मैंने डियर्स के लिए कुछ मीडियम शेड्स के कलर चूज किए और एक एक करके सभी डियर्स को मैंने पेंट कर दिया। यहाँ एक चीज का हम ध्यान रखेंगे, जब हम कलर का कोई बड़ा सा ब्लॉक बनाते हैं, जब उसमें हम पेंट करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा कलर अपने ब्रश में नहीं लेना है। ज्यादा कलर कपड़े के ऊपर पड़ जाता है ना, तो कपड़ा सूखने के बाद वो कड़ा हो जाता है, कपड़ा थोड़ा स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ब्रश में हम कम से कम कलर लेंगे। अगर आपका कलर थिक लग रहा है आपको, तो थोड़ा सा उसमें 2-3 ड्रॉप मीडियम मिक्स कर लीजिए। कई लोग पानी भी मिक्स करते हैं, तो मीडियम मिक्स करके उस कलर की कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला कर लीजिए, उसके बाद आप इसे पेंट कीजिए। तो इसी तरह से मैंने अलग अलग कलर्स से सभी डियर्स को पेंट कर लिया है और थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है ताकि ये कलर्स अच्छे से सूख जाए। देखिए, अब सभी डियर्स सूख गए हैं और आउटलाइन जो मैंने बनाई थी वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए आप जब भी इस तरह की पेंटिंग करें तो फिल करने वाले कलर्स को पहले कर लीजिए और फिर कपड़े के कलर से बिल्कुल ऑपोजिट कलर से बाकी डिटेल्स ऐड कीजिए। यहाँ मैंने व्हाइट से मेन आउटलाइन बनाई और इस आर्ट की जो विशेषता है, जो यूनिकनेस है, डॉट्स एंड लाइंस, वो भी मैंने इस कलर से बनाई है। व्हाइट के अलावा लेमन येलो फ्लैश टिंट भी यूज किया है और थोड़ा सा मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए मैंने ब्रिल पर्पल भी यूज किया है ताकि पूरा सेम और बोरिंग ना लगे। वैसे तो मैं कोई आर्ट फॉर्म आपको सिखाऊं, उसका इतिहास ना बताऊं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ना बताऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है और मेनली इसमें मैंने कपड़े पर पेंटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में ज़्यादा बात की है। तो फिर भी मैं इस आर्ट के बारे में थोड़ा सा जो मेन फैक्ट्स हैं वो बताती हूँ। गोंद आर्ट एक लोक कला है, एक जनजाति कला है, जिसे हमारे देश भारत के सबसे बड़ी जनजातियों में से एक गोंद जनजाति या गोंद ट्राइब्स द्वारा बनाई जाती है। ये गोंद शब्द जो है द्रविड़ भाषा के कोंद शब्द से आया है, जिसका अर्थ है हरा पहाड़। गोंद कला को मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से ही माना जाता है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी काफी कॉमन है। इतिहास के मुताबिक गोंद समुदाय 1400 साल से इस कला को बनाती आ रही है, लेकिन शायद ये कला उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है। गोंद समुदाय का मानना है कि प्रकृति की हर चीज, पहाड़, नदी, पत्थर, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सभी में पवित्र आत्मा होती है। इसीलिए इनके प्रति सम्मान और श्रद्धा दिखाने के लिए ये इन्हें पेंट करते हैं। तो इनका मेन थीम होता है प्रकृति और मनुष्य के साथ इनका रिश्ता। इसीलिए गोंद पेंटिंग में मेनली हमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, पानी, खेत, यही सब दिखाई देंगे। थोड़े बहुत ह्यूमन फिगर्स भी होते हैं, गॉड गॉडेस के फिगर्स बहुत रेयर मिलेंगे। गोंद कला को लाइंस एंड डॉट्स आर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मेन फिगर्स को इन आसान चिन्हों से भरा जाता है। इनके अलावा छोटे सर्कल्स, फिश स्केल्स, हाफ सर्कल्स, ऐसे इजी डिजाइन्स भी डिटेलिंग ऐड करने के लिए दिए जाते हैं। और इन सिंबल्स का मकसद है एक स्टिल इमेज में भी एक मूवमेंट को दर्शाना। तो गोंद पेंटिंग बनाना बहुत ही ईजी है। देखिए, बातों ही बातों में मैंने सभी डियर्स के फिगर कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन बस इतना ही बनाऊंगी तो बहुत खाली खाली लगेगा, इसलिए गोंद पेंटिंग का बहुत ही पॉपुलर महुआ ट्री भी बना देती हूँ। इसके लिए ट्रेसिंग की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए बस आराम से फ्री हैंड मैं दोनों तरफ महुआ ट्री बना दूंगी और इनके ब्रांचेस में जैसे गोंद की पेंटिंग्स में डिटेलिंग ऐड करते हैं, वैसे ही डिटेलिंग मैं इसमें भी ऐड कर दूंगी। यहाँ मैं रेड और ग्रीन दोनों कलर्स से लीव्स बना रही हूँ और दोनों को साथ ही मैं बना रही हूँ, इसलिए दो अलग अलग ब्रशेस लिए हैं, आप एक एक करके भी बना सकते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इस पेंटिंग की एक और खासियत है कि यहाँ एक फिगर से दूसरा फिगर जुड़ा हुआ होता है। कभी हिरन के सींग में से ट्री बना दिया जाता है, या फिर ट्री के रूट्स में से कोई स्नेक या फिश का फिगर निकल आता है। और इसके पीछे भी इनकी एक सोच है। ये कहते हैं कि जीवन निरंतर है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसीलिए इसी चीज को ये अपनी पेंटिंग्स में दिखाते हैं। है ना, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात। रंगों की बात करें तो सभी लोक कलाओं की तरह ये भी काफी प्राचीन समय से चली आ रही है, तो उस टाइम हमारे जैसे एक्रिलिक कलर्स तो थे नहीं, इसीलिए वो नेचर की चीजों से ही, फूल पत्तियों से ही पीस कर रंग बनाते थे।
और इन पेंटिंग्स में ये हमेशा ब्राइट कलर्स भरते थे, बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स भरते थे। बैकग्राउंड में कोई भी डिजाइन नहीं बनाते थे, इसे बिल्कुल सिंपल व्हाइट या कोई लाइट कलर या फिर ब्लैक रखते थे। तो मेरी पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब बस लाइंस एंड डॉट्स से मैं ट्री में भी डिटेलिंग ऐड कर दूंगी। मैंने लीव्स और ब्रांचेस में व्हाइट आउटलाइन नहीं की है। इसके दो रीजंस हैं, एक तो बिना आउटलाइन के ये ज्यादा नेचुरल लगेंगे, दूसरा मैं डियर्स पर ही ज्यादा फोकस डालना चाहती हूँ, इसीलिए इन्हीं पे आउटलाइन की है, बाकी ड्रॉइंग पर नहीं की। आप चाहें तो ट्रीज पर भी आउटलाइन कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको कपड़े का बैक साइड दिखा देती हूँ। पेंटिंग करते वक्त जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कलर पीछे गया है वो पीछे वाले पुराने कपड़े में एब्जॉर्ब हो गया है, इससे मेन कपड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। यही अगर आप कोई पेपर या न्यूज़पेपर डाल देते तो वो पूरा गीला होकर कपड़े के साथ ही चिपक जाता। कई व्यूअर्स मुझे कमेंट लिखते हैं कि इस तरह से किसी आर्ट को सीखते सीखते उसके पीछे की कहानी को सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मेरे इस एफर्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। आज के वीडियो में ज्यादा तो पॉसिबल नहीं हो पाया, बट फ्यूचर में मैं डेडिकेटेडली गूंद आर्ट पर वीडियो बनाऊंगी और इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी। तो व्हाइट और लेमन येलो से मैंने ब्रांचेस में छोटे छोटे लाइंस ड्रॉ किए और इस डिटेलिंग को ऐड करने के बाद देखिए इसका लुक ही चेंज हो गया है, बिल्कुल ऑथेंटिक गोंद पेंटिंग जैसा लुक दे रहा है। तो पेंटिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने इसे 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दिया था। तो ये योक पोर्शन की पेंटिंग बन चुकी है। अब क्योंकि अनस्टिच्ड पीस है, 2.5 मीटर के करीब कपड़ा था, तो एकदम एक एंड पे मैंने योक पोर्शन की ड्राइंग बनाई है और दूसरा जो एंड है वहां पे मैंने ऐसे दो बॉर्डर्स बनाए हैं। ये डिजाइन वही ट्री वाला डिजाइन है, बस उसका ही मैंने पहले पेंसिल से मार्क कर लिया था, लंबे लाइंस बना लिए थे, उसके बाद मैंने ऐसे दो बॉर्डर्स बनाए हैं बिल्कुल एक एंड से दूसरे एंड तक, ताकि ये दोनों डिजाइन जब हम सिलवाएं तो एक सूट के नीचे वाला बॉर्डर बन जाए और एक स्लीव्स में आ जाए। कलर के अच्छे से सूख जाने के बाद इसे उल्टा करके आयरन करेंगे। मैं 24 घंटे बाद आयरन कर रही हूँ। अगर आपके वहाँ पे मॉइस्ट वेदर है तो कपड़े को कुछ और दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जिस तरह का आपका मटेरियल हो वैसा आयरन का जो हीट है उसे सेट कर लीजिए। मेरा कॉटन है तो मैं कॉटन से थोड़ा सा कम रखती हूँ, ज्यादा हीट नहीं देना चाहती। और अच्छे से हम बैक साइड से इस पेंटिंग को पूरा आयरन कर लेंगे। और ये पहली बार के लिए नहीं, हर बार के लिए जब भी हम अपना कपड़ा धोए हमें आयरन करने की जरूरत हो तो हम उल्टे साइड से ही आयरन करेंगे। तो फैब्रिक पेंटिंग करने से पहले कपड़े को कैसे प्रिपेयर करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब आपको पता ही होगा। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस वीडियो को चेक कर लीजिए। फैब्रिक पेंटिंग से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए मेरी गूंद आर्ट फैब्रिक पेंटिंग कुर्ती का फाइनल लुक। मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद आया, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको मेरी पेंटिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। थैंक यू।